गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो है जिसमें हमने आपको स्पॉन्ज बनाना सिखाया था। आज हम आपको आइसिंग करना सिखाएंगे। अब जब आपने केक की आइसिंग करनी है तो इट इज योर चॉइस कि आप इसका टॉप साइड कौन सा रखना चाहते हैं। आप ऊपर से कट कर इसको इवन बनाएंगे और फिर इसको और टॉप साइड रखेंगे, या आप इसको अपसाइड डाउन कर जो पहले से प्लेन सर्फेस है उसको टॉप साइड रखेंगे। तो अब हम इसकी केक की आइसिंग करना आपको सिखाएंगे। बिफोर वी स्टार्ट विद द आइसिंग, द आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट द क्रीम। तो जो हम एक क्रीम इस केक के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज सिंथेटिक क्रीम। जो आपने मार्केट के अंदर केक्स देखे होंगे, बहुत ही शाइनी केक्स होते हैं। तो कई बार जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यार जो हम मार्केट से क्रीम लेकर आते हैं, जो डेयरी की क्रीम लेकर आते हैं, उसको हम मिस करते हैं, बट वो उतना शाइन और ग्लो नहीं करती जितने कि नॉर्मली मार्केट के अंदर केक्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, वी विल डिस्कस इन द क्लास आल्सो टाइप्स ऑफ क्रीम। लेकिन जो हम केक्स के लिए क्रीम यूज़ करते हैं आजकल, वो नेचुरल क्रीम नहीं होती है, इट इज़ सिंथेटिक क्रीम। द बेस इज सिंथेटिक, तो हम उसे सिंथेटिक क्रीम भी कह देते हैं। एंड दिस क्रीम गिव्स यू लॉट ऑफ शाइन एंड ग्लो टू योर केक। और इस क्रीम को फेंटने के लिए कुछ प्रिकॉशन है विच यू नीड टू बी टेकन। जब भी आप मार्केट से खरीद के लाएंगे, ये आपको फ्रोजन स्टेट में मिलेगी। तो सबसे पहले आप इसको डी फ्रीज करें। डी फ्रीज का मतलब इसको लिक्विड स्टेट में लाएं, और लिक्विड स्टेट में लाने के बाद आप इसकी विस्किंग करें। अगर आप इस वन सेकेंड डन इन लिक्विड स्टेट, जब एक बार ये लिक्विड स्टेट में जाती है तो इसको वापस रीफ्रीज ना करें। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है आफ्टर विस्किंग इज फॉर 2 to 3 days। तो अभी हम आपको केक बनाना सिखाएंगे। अभी भी आपके साथ एक और शेफ जुड़ेंगे जो आपको केक की आइसिंग के बारे में डिटेल में समझाएंगे। तो वी हैव शेफ मनिंदर विद अस, है ना, जो आपको केक की आइसिंग, तो वी हैव शेफ मनिंदर विद अस जो अब आपको केक की आइसिंग के डिटेल्स के बारे में बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि जैसे आप शुरू में आप बच्चे हैं, जब आप क्लास में पहली बार केक बनाएंगे, तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस, आपने किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और केक बनाते हुए। तो वी विल गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ स्टेप्स फॉर मेकिंग ऑफ केक। तो सबसे पहले जब आपके पास स्पॉन्ज आएगा तो हम इसकी लेयरिंग करते हैं, केक के अंदर हम लेयरिंग करते हैं। और इस स्पॉन्ज की हम बेसिकली 3 layers बनाएंगे। तो अब मनिंदर शेफ आपको बताएंगे कि इस स्पॉन्ज को कैसे काटना है। नमस्कार, मैं शेफ मनिंदर। मैं आपको 2 केक की आइसिंग करके उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो हम सबसे पहले केक की 3 layer काटेंगे। तो पहले हम टॉप लेयर का क्रम निकाल देंगे। अगर कई बार क्या होता है, हमारे केक जो है उसका डोम शेप आ जाता है, तो वो डोम शेप को हम ख़त्म कर देंगे और ऊपर से इसका क्रम निकाल देंगे। फिर हम फर्स्ट लेयर निकालेंगे जो कि ऊपर की तरफ से निकालेंगे। और अगर आप ध्यान दें तो जो शेफ मनिंदर नाइफ चला रहे हैं वो आली की तरह चला रहे हैं। तो ये फर्स्ट लेयर हमने ऊपर से निकाली, ठीक है। अगर आप देखें उनका नाइफ चलाने का तरीका देखें, एक सेकंड सर, हाँ तो वो हल्के हाथ से आली की तरह उस नाइफ को चला रहे हैं और दूसरे हाथ से उस स्पॉन्ज को सपोर्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है जब आप शुरू में काम कर रहे हैं कि आपने एक ही बार में नाइफ में बड़े बड़े शेफ्स की तरह इधर से आर पार कर देना है। तो आप हल्का हल्का काटें और उसको एक शेप दें। अब ये 2 और 3 layers हमारी स्पॉन्ज की हो गई। अब सबसे पहले हम इसको शुगर सिरप में डिप करेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए बहुत इजी सी रेसिपी है। आप शुगर, चीनी और पानी का मिश्रण लें। चीनी हाफ द क्वांटिटी, शुगर डबल द क्वांटिटी। मतलब अगर आधा किलो चीनी है तो 1 किलो पानी लें, और उसके अंदर फ्लेवर के लिए 1 दालचीनी का पीस या हल्का सा फ्रेश लेमन निचोड़ दें, ताकि फ्रेश लेमन की जो फ्रेग्रेंस है वो आपके केक के अंदर आए। अब हम इसको शुगर सिरप से डिप करेंगे। शुगर सिरप लगाने के बहुत सारे फंक्शन हैं। एक तो केक को ये सॉफ्ट रखेगा, मॉइस्ट रखेगा, जिससे कि जब आप खाएंगे तो इसकी ईटिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम इस पर शुगर सिरप लगाते हैं।
दूसरा जो हल्का फुल्का क्रम आ जाता है वो शुगर सिरप से हल्का सा बैठ जाता है, तो इसलिए आपने शुगर सिरप का इसके ऊपर एप्लीकेशन करना है। अब जब शुगर सिरप लग गया है तो अब आपने सबसे पहले फर्स्ट लेयर लगानी है क्रीम और फ्लेवर अपने पास रख लेना, जो भी केक आप बनाना चाहते हैं उसकी क्रीम और फ्लेवर आपके पास होना चाहिए। तो अब शेफ मनिंदर इसके अंदर आज स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगे, तो हमने स्ट्रॉबेरी फिलिंग ली है और स्ट्रॉबेरी फिलिंग को अगर आप चाहें तो आप इसको क्रीम के अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो अब हम स्ट्रॉबेरी फिलिंग को या कोई भी आप फिलिंग लें जो आपके पास है आप उसको क्रीम के अंदर मिक्स कर लें। और ये क्रीम मिक्स हो चुकी है। अब केक पे आइसिंग से पहले हमने ये देखना है कि हमारा टॉप जो ऊपर की सरफेस होगी वो कौन सी होगी, तो हमने जो सबसे नीचे की सरफेस थी उसको टॉप लेयर के लिए बचाकर रख लिया है। अब हम इस सरफेस को टॉप पे लगाएंगे और बाकी जो दो सरफेस थी उनमें से कोई जो भी हमें पसंद है हम उसको नीचे की और फर्स्ट लेयर बना सकते हैं। अब मनिंदर शेफ इस पे क्रीम लगाएंगे। और आपने पैलेट नाइफ से हल्का सा क्रीम को फैला देना। अगर आप देखेंगे तो इनका पैलेट नाइफ एक ही तरफ से गंदा हो रहा है, दोनों तरफ से आपने गंदा नहीं करना। जब भी आपने पैलेट नाइफ चलाना है तो इट हैज़ टू बी फ्रॉम वन साइड ऑफ द पैलेट नाइफ ओनली, एक तरफ से ही आपने उस पैलेट नाइफ को चलाना है। और जिस तरह से आप बटर लगाते हैं ब्रेड के ऊपर उसी तरह से इस क्रीम को फैला देना है। जब आपने एक बार कर लिया तो अब आप इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगाएंगे और सेकेंड लेयर पे वापस आप क्रीम अप्लाई करेंगे। क्रीम आपने हल्के हाथ से अप्लाई करनी है और आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। अब दो लेयर्स हो गई हैं, अब हम तीसरी लेयर को जो अपसाइड डाउन करके लगाएंगे ताकि हमारे को ऊपर से स्मूथ सरफेस पहले से ही मिल जाए। और ये तीन लेयर हो गई हैं और अब हम थर्ड लेयर लगाने से पहले से पैलेट नाइफ की सहायता से केक के ऊपर रखेंगे, बेस के ऊपर रखेंगे ताकि हमें क्रीम लगाते हुए आसानी हो जाए। अब हम इस पर सबसे पहले देखेंगे कि अगर इसकी शेप टेढ़ी मेढ़ी है या कहीं से कटिंग की जरूरत है ताकि एक इवन शेप आए हम इसकी कटिंग करें। कटिंग करने के बाद आप एक बार साइड में पैलेट नाइफ मार के चेक भी कर सकते हैं कि कहीं से कि ये सारी तरह से इवन हो गया है कि नहीं हो गया है। और अब हम इस केक की सबसे पहले क्रम कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग का मतलब होता है कि क्रम जो इसके ऊपर है वो क्रीम के अंदर मिक्स ना हो जाए, तो हम सबसे पहले क्रम कोटिंग करते हैं, हल्की सी लेयर क्रीम की इसके ऊपर चढ़ाएंगे। क्रम कोटिंग का ये बेनिफिट होता है कि कोई भी क्रम अब आपकी क्रीम के अंदर मिक्स नहीं होगा और आपको बहुत इजी हो जाएगा इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करने के लिए। और आप क्रम कोटिंग करने के बाद इसको 5-7 मिनट के लिए फ्रिज में डाल सकते हैं ताकि क्रीम हार्ड हो जाए और आप काम इजी दूसरी कोट इसके ऊपर कर सकें। अब हम फाइनल लेयर लगाएंगे क्रीम की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि किसी केक को देखने में अच्छा लगना है या अपीयरेंस वाइज जो बाहर की अपीयरेंस है वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो जब हम फाइनल लेयर लगाने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अपना टेबल साफ करें ताकि क्रीम के अंदर कोई भी क्रम या कोई भी गंदगी ना आ पाए, क्योंकि अगर ऊपर वाली सतह पर कोई भी क्रीम या कोई भी क्रम आया तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, लगाने से पहले एक और टिप है जो आपको ध्यान रखना है कि आपको पैलेट नाइफ पकड़ना चाहिए।
पैलेट नाइफ पकड़ने के लिए एक उंगली आपकी नाइफ के ब्लेड पे आनी चाहिए और बाकी चीजें आपकी नीचे की तरफ आनी चाहिए। अगर आपका पैलेट नाइफ बहुत लंबा है तो आप थोड़ा सा ऊपर करके भी उसको पकड़ सकते हैं। अब हम केक की आइसिंग करते हुए दो तरीके होते हैं, कुछ लोग ऊपर से शुरू करते हैं क्रीम लगाना, कुछ लोग साइड से लगाना पसंद करते हैं। तो हम साइड से लगाएंगे, पहले एक क्रीम की कोटिंग साइड से करेंगे। और क्रीम की कोटिंग जब भी आपने करनी है तो पैलेट नाइफ के टिप से आपने क्रीम को उठाना है और क्रीम की हल्के हाथ से पहले सिर्फ क्रीम को अप्लाई करना है, लगाना है। और जो बाहर की कोटिंग है क्रीम की वो हल्की सी आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि फिनिशिंग केक की तभी आएगी जब आप उसकी हल्की सी कोटिंग ज़्यादा रखेंगे। जब एक बार आपने कोटिंग कर ली है क्रीम, चारों तरफ से आप क्रीम लगा ली, अब आप ऊपर की तरह लगाएंगे, ऊपर की तरफ क्रीम लगाएंगे और ब्रेड और बटर की तरह इसको भी पहले चारों तरफ को क्रीम को फैलाएंगे। जब आपने एक बार क्रीम फैला ली है, आप हल्के हाथ से सेंटर में नाइफ रखते हुए, पैलेट नाइफ रखते हुए इसको हल्का हल्का घुमाएंगे और स्मूथ करते रहेंगे। अगर आप पैलेट नाइफ की पोजीशन देखेंगे तो हल्का सा स्लांट है, 45 डिग्री एंगल पे पैलेट नाइफ स्लांटेड है और खुद ही ऊपर से केक फिनिश हो जाएगा। अब आप साइड पे ले जाएंगे पैलेट नाइफ, इफ़ यू आर लेफ्टी तो राइट साइड में रखेंगे, इफ़ यू आर राइटी तो आप लेफ्ट साइड में रखेंगे। कोई फास्ट रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, आप हल्के हाथ से बस रोटेट करिए और ये साफ हो गया। अगर आप साइड से एजेस देखेंगे तो लगभग बहुत अच्छे आ गए हैं, साफ हो गया। अब ये क्रीम ऊपर की तरफ आ गई है, अब हम इस ऊपर वाली क्रीम की अंदर की तरफ खींच लेंगे। वापिस से एक बार सेंटर में रख के नाइफ हल्का हल्का इसको रोटेट कराएंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए ऊपर से। और ये केक की ऊपर से फिनिशिंग आ गई, बस कट कर लिया। और अब ये केक की सफाई होगी। अब जब वंस यू आर कंप्लीट आपकी केक की आपकी फिनिशिंग हो जाए तो अब आप उठा के सबसे पहले आइसिंग करने से पहले इसको बेस के ऊपर रखेंगे और हल्का पैलेट नाइफ नीचे डालेंगे और उसके बाद आप एक हाथ से उसको सपोर्ट देंगे केक को और उसके बाद आप हाथ को बाहर निकाल लेंगे अपने और पैलेट नाइफ को भी अंदर ही रहने देंगे और धीरे से जहाँ पोजीशन करना है उसका पोजीशन करने का पैलेट नाइफ को बाहर खींच लेंगे, निकाल हल्का सा बाहर निकाल और वापस केक स्टैंड पे रखेंगे ताकि हमारी आइसिंग इजी हो जाए। अभी हम इसके आपको बॉर्डर बनाना सिखाएंगे। तो हमने इसके लिए स्टार नोजल लिया है, छोटा स्टार नोजल लिया है और प्लास्टिक का पाइपिंग बैग लिया है और आने वाले टाइम में हम आपको पाइपिंग बैग भी बनाना सिखाएंगे कि हाउ टू मेक पाइपिंग बैग आउट ऑफ बटर पेपर और ब्राउन पेपर अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो। तो सबसे पहले हम कलर बनाएंगे, अगर आप अकेले हैं तो यू कैन पुट दिस पाइपिंग बैग ऑन द टॉप ऑफ एनी कोई भी किसी भी बर्तन के अंदर, आप बर्तन मतलब या कोई कॉनिकल जार हो जिसके अंदर आप डालें ताकि आपको ये मिक्सिंग करने में इजी रहे। अब आप कलर डालेंगे क्रीम के अंदर, तो हम डुअल शेड देंगे इसके इसकी आइसिंग के लिए। तो हल्का सा हम पिंक कलर क्रीम के अंदर मिला रहे हैं, ये नॉर्मल लिक्विड कलर है। नोजल हमने पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिए
और मोलर को हमें टिप तक पाइपिंग बैग के टिप तक नीचे तक जाने देना है। और पैलेट नाइफ से एक साइड में क्रीम लगानी है, दोनों तरफ नहीं लगानी है, एक ही साइड को आपने क्रीम लगानी है क्योंकि हमें डुअल शेड केक चाहिए, तो हम एक साइड में क्रीम लगाते हैं, डालते जाएंगे पाइपिंग बैग में। जब एक साइड में हम क्रीम डाल देंगे, अब हम पाइपिंग बैग के दूसरे साइड में क्रीम डालेंगे जो हमारी कलर क्रीम है। इस तरह से हम दोनों शेड इसके अंदर डाल चुके हैं। और ये डुअल शेड आपने पाइपिंग बैग बना लिया है। अब हम इसको नोजल को बाहर निकालने के लिए हल्का सा जितना नोजल है, जो नोजल का साइज होता है उससे हाफ पाइपिंग बैग को काट देंगे। हल्का सा प्रेशर देके आपने दूसरी तरफ खींचना है और साथ के साथ केक स्टैंड को मूव करते जाना है। अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करना है, सिर्फ केक स्टैंड की पोजीशन को चेंज करना है। और इस तरह से हमारा बेस का फिनिशिंग आ जाएगा और डुअल टोन भी आ जाएगा। इसी तरह से अब हम ऊपर की तरफ इसके डिज़ाइनिंग करेंगे ताकि हमारी एजेस कवर हो जाएं। एक मोशन सीधा और एक मोशन और ये हमारे केक की फिनिशिंग हो गई है। अब लास्ट में इस पे नाम लिखना रह गया है, या आप और डेकोरेशन करना चाहते हैं तो आप फूलों की डेकोरेशन बहुत कुछ कर सकते हैं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल के लिए हमने इस केक का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। दोनों तरफ से हमने इसकी आइसिंग कर दी है, बॉर्डर बना दिया है और ऊपर से बना दिया। ऊपर की तरफ भी आइसिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो शार्प एजेस होते हैं, अगर आप शार्प एजेस नहीं बना पाते हैं तो वो उस आइसिंग से कवर हो जाते हैं। ये एक बेस बन गया है केक का। अब इसके ऊपर डेकोरेशन अनलिमिटेड है, आपकी अपनी सोच है कि आप कितना इस पर डेकोरेशन कर सकते हैं। आप फूल लगा सकते हैं, फूल बनाकर लगा सकते हैं, जो आने वाली क्लास में हम आपको सिखाएंगे। आप बहुत कुछ इस केक के ऊपर इनोवेट कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स लगा सकते हैं, उससे डेकोरेशन कर सकते हैं, बहुत सारी इनोवेशन हैं जो इस केक के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक आइडिया केक को डेकोरेट करने का हमने आपको दे दिया है। तो इसी तरह से आप चॉकलेट केक की भी अभी हम आपको 2 मिनट के अंदर आइसिंग